हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके टर्म 2 का सिलेबस। अब हमारा आपको पता है कि टर्म 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है एंड आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को दिया है और जो हमारी वीडियोस थी उन्होंने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। हालांकि हम लोगों ने आपको पूरी तरीके से तो हम नहीं कह सकते कि हमने तैयारी की, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से नहीं थे आपके साथ, ठीक है, बट एंड टाइम पर हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया। बट नाउ नो कॉम्प्रोमाइजेशन फॉर टर्म 2। हम लोग एकदम पूरी तरीके से तैयारी करने वाले हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन की। सारे टॉपिक्स एंड सारे चैप्टर्स का हम लोग यहाँ पे कवरेज करेंगे। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की यहाँ पे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले से ही इसको क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक आप करके रख दो, बेल नोटिफिकेशन अगर ऑन करके रखते हो नोटिफिकेशन, तब आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियोज आती रहेंगी वैसे ही आपको मिलती रहेंगी। और हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस तक अरेंज करने का सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते, एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आपने अगर भूल गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी से। तो मैथमेटिक्स के साथ पहले स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिक्स में जो है आपके जो कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं वो इस प्रकार है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम सारी चीज़ें देख लेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला वगैरह, हम सारी चीज़ें, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट, सारे जो भी टर्म 1 एग्जामिनेशन में आने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कवरेज करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी क्या होता है उसको भी जानेंगे और उसकी पूरी डिस्कशन करेंगे। सिलेबस में आपका सर्कल है, एक कंस्ट्रक्शन है, इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। फाइनली सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है, इसको भी देखेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स, इन सबको भी डिस्कस करने वाले हैं आपके टीचर्स आपको ये हाँ हमारे चैनल पे करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखो साइंस में अब क्या क्या चैप्टर है, वो तो रही मैथमेटिक्स की बात, अब साइंस में क्या क्या आ रहा है। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में आपका आ रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और काफ़ी सारा पार्ट इस बार डिलीट कर दिया गया है, बट वी विल ट्राई कि सारा आपका कवरेज करवा दें ताकि जो बच्चे NTSC के लिए या फिर NSO एग्जामिनेशन के लिए या फिर कोई अगर IOQJS दे रहा है तो इन सारी एग्जामिनेशन में ये आपको काम आएगा। तो पूरी तरीके से कार्बन इन इस कंपाउंड को कवरेज करेंगे और बच्चों को बता भी दिया जाएगा कि अगर वो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो किस डिलीटेड टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है। डिलीटेड टॉपिक्स भी आपको बता दिया जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में नो रिडक्शन है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलिए हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को आपको पूरा पढ़ना है, इसमें भी कोई भी रिडक्शन नहीं है, ठीक है। हेरिडिटी एंड एबुलेशन में आपका जो है हेरिडिटी पार्ट जो है आपको पढ़ना है और एबुलेशन पार्ट इसमें से डिलीटेड है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है, ठीक है, नो डिडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में कुछ कुछ डिडक्शन है, बाकी सब करवा ही देंगे हम। आवर इन्वायरमेंट एक बचेगा जो कि आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, पीरियोडिक टेस्ट्स में आएंगे तो उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। अब ये तो बात रही साइंस की, और साइंस को हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी, साइंस में बहुत ही मज़ा आने वाला, ठीक है। सेम फॉर मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट। अब सोशल साइंस में आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड आती है और सोशल साइंस का जो है हम करवाने वाले हैं आपको सारी चीज़ें, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत बड़ा चैप्टर है आपका और ये जो है हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से 1-2 लेक्चर्स में ही पूरा हम बड़ा बड़ा आपका बना करके ये दे देंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। ओके, अब देखिए मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, अब सेकेंड चैप्टर जो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, ये भी हम करवा देंगे जो कि पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। फिर आपके जो कुछ चैप्टर है जैसे कि लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, या मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे SST में, सोशल साइंस के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करवा देंगे आपको, ठीक है। इंग्लिश की जो बात रही तो इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया देखेंगे, मैडम राइड्स द बस देखेंगे, सरमन एट द बनारस और द प्रपोजल देखेंगे, एक प्ले है, नाटक है, इसको भी देखेंगे। पोयम क्या क्या आएंगे इससे, एक अमांडा होगा, एनिमल्स होगा और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन ये खाने वाला कस्टर्ड नहीं है, कस्टर्ड इस ड्रैगन का नेम है, ठीक है। चलिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्या क्या चीज़ें आएंगी, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट आएगा, नेकलेस आएगा, हैक ड्राइवर और भोली, ये जो कुछ चैप्टर है वो कहाँ से आएगा आपका, दैट इज़ आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो यही था मोटा मोटी पूरा ओवरऑल सिलेबस, आप देख सकते हो, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैथमेटिक्स की, आपको इसकी पूरी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो फॉर दिस हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है और इसमें हमने की है पूरा सिलेबस डिस्कशन। अब इसके जो इंटरव्यू में जा करके इसकी PDF अगर चाहिए होगी आपको तो इसकी PDF जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फॉर दैट आपको सारी चीज़ों की डिस्कशन आपको तो मिल ही जाएंगी, सारे पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट टीचर्स है वो आपको सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ आपको बता ही देंगे इस चैनल पे। तो सारे अपडेट्स इस चैनल पे आने वाले, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ टर्म 2।